दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप रेल यात्री एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हो। जी हां दोस्तों, अगर आप भी रेल यात्री एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक पूरा देखना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करके दोस्तों यहाँ से आपको रेल यात्री एप्लीकेशन को यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रेल यात्री एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी चूज कर लेनी है। तो गाइज यहाँ पर मैं ईमेल आईडी चूज कर लेता हूँ। इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में फ्रॉम स्टेशन पर क्लिक करके दोस्तों आप कहाँ से जर्नी करने वाले हो उस सिटी का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं पुणे सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों डेस्टिनेशन में यहाँ पर आप कहाँ तक जर्नी करने वाले उस सिटी का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं मुंबई सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आप कौन सी डेट को टिकट बुकिंग करने वाले हो उस डेट को यहां पर आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे की साइड में यहां पर आप बस में टिकट बुकिंग करने वाले हो या ट्रेन में, तो दोस्तों यहां पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। तो गाइस यहां पर मैं ट्रेन में टिकट बुकिंग करने वाला, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी डेट वगैरह सिलेक्ट किया, जो भी रूट सिलेक्ट किया, उस रूट पर जितनी भी ट्रेन रहेगी वो सभी आपके सामने आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पर आप अपने टाइमिंग के हिसाब से कोई भी ट्रेन सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर हमें बहुत सारी अलग अलग ट्रेन देखने को मिल रही है। तो गाइज यहाँ पर मैं एक ट्रेन में टिकट बुकिंग करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं कोल्हापुर छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस में टिकट बुकिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं स्लीपर क्लास में टिकट बुकिंग करने वाला दोस्तों, यहाँ पर मैं बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऊपर की साइड में बोर्डिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है। और इसके बाद दोस्तों नीचे की साइड में यहाँ पर आपको अपनी जो IRCTC की यूज़र आईडी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे की साइड में यहाँ पर आपको ऐड फर्स्ट पैसेंजर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपना जो पैसेंजर डिटेल है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। और नीचे की साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन भी मिलता है। अगर दोस्तों आप कैंसिलेशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप नहीं लेना चाहते तो दोस्तों यहाँ से आप नो भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी जो सारी डिटेल्स है वो फिल कर देता हूँ। दोस्तों अपनी सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी ट्रेन सिलेक्ट की है दोस्तों, यहाँ पर आपकी ट्रेन की सारी डिटेल्स ऊपर के साइड में देखने को मिल जाती है। इसके बाद नीचे की साइड में यहाँ पर आपके सामने ऑफर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आपके सामने कोई कूपन कोड है तो दोस्तों यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और नीचे की साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सभी ऑप्शन से यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो कार्ड नंबर है वो डाल देना है। नीचे की साइड में दोस्तों यहाँ पर अपना जो कार्ड होल्डर नाम है वो डाल देना है। इस साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको CVV कोड डाल देना है। इसके बाद दोस्तों पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो पे कर देना है। जैसे दोस्तों आप पेमेंट को पे कर दोगे दोस्तों आपका जो टिकट है वो सक्सेसफुली बुकिंग हो जाएगा। और दोस्तों आपकी जो टिकट है वो आपने जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दी उस पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप रेल यात्री एप्लीकेशन के अंदर ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हो।